करना होता है, उसको फिटिंग करना है। तो इसकी लंबाई ये जो चाप पड़ता है, ये 20.5 रखना है क्योंकि ये नीचे तक ज़्यादा था तो 20.5 पे मैंने निशान लगाया। और इसका जो ये है, इसमें कुर्ते को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। और ये इसका 42 है, इसे 10.25 रखा जाएगा। और ये 32 है और हम तो 16 + 8.5 = 8 रखा जाएगा। और ये 38 आएगा तो ये वहाँ पर निशान लगेगा। चाहे नया कुर्ता हो चाहे पुराना कुर्ता हो, फिटिंग करना हो तो यही मेथड लगता है। और इसी मेथड से फिटिंग होती है कुर्तों। अब किसी निशान को हम इस साइड भी ले लेंगे, उसके लिए हम इसको ऐसे करेंगे और इस तरह से रखते जाएंगे अपने हाथ को, और नीचे चॉक्स की सहायता से हम इस निशान को पीछे साइड में लेते हुए चले जाएंगे। उसी बड़े आराम से चॉक से हो जाता है ये ऐसे। और ये ऐसे करके ये दोनों साइड हमारा निशान हो गया। निशान को हम परफेक्ट कर लेंगे, मतलब गाढ़ा कर लेंगे, जैसे ये यहाँ से है हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। और ये हमारा कुर्ता कर लेंगे और हम इसी पे स्टिच कर लगाएंगे और ये हमारा कुर्ता हो जाएगा टाइट। ये देखिए ये कुर्ता फिट हो गया और ये हमारे ऊपर साइज का हो गया। टाइट करने का मेथड है, आप इस तरीके से आराम से टाइट कर सकते हैं। मम्मा वैसी और बच्चों की वैसी मचाओ। एए, शांत रहो। साइड में जो सिलाई थी उसको भी हटाएंगे तभी चाप बन पाएगी, क्योंकि हमने सिलाई चला ली है। और ये
सिलाई चली है इसमें, खोलेंगे डबल सिलाई चलती है ये चाकू में, ये चाकू खोलना पड़ेगा नहीं तो फिर यहाँ पर चाप नहीं बन पाएगा। बच्चों को सारा दिन सब बड़े को समझा सकते।